हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं गरारा। इसे हम गैदरिंग मेथड से बनाने वाले हैं। आप इसे सिंपल प्लेट्स लेकर या बॉक्स प्लेट में भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया हुआ है और मैं यहाँ पे नेट यूज़ कर रही हूँ गैदरिंग बनाने के लिए। तो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए मार्किंग करते हैं। इसके लिए मैंने ये फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम नी लेंथ तक की कटिंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये मैंने ब्रॉडनेस ली है, 4 फोल्ड मैंने लिया है 14 इंचेस का। अब मैं सबसे पहले 2 इंचेस के बेल्ट के लिए मार्किंग करूँगी। तो यहाँ से मैं 2 इंचेस पे एक मार्क करूँगी। इस तरह से ये मैं बेल्ट का 2 इंचेस निकाल दूँगी और इसे फोल्ड कर लूँगी इस तरह से। अब यहाँ से हम मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पे बना रही हूँ मैं क्रॉच एरिया। तो सबसे पहले मैं 2 इंचेस पे एक मार्क करूँगी और ऊपर से मैं ले रही हूँ क्रॉच एरिया 12 इंचेस का। तो इस तरह से हम 12 पे मार्क करेंगे। अब जहाँ पे मैंने 12 मार्क किया है वहाँ पे भी मैं ब्रॉडनेस लूँगी 2 इंचेस की। दोनों पॉइंट को ज्वाइन करते हुए मैं इस तरह से ज्वाइन कर लूंगी और यहाँ पे मैं हल्का सा राउंड शेप दूंगी। तो ये हो गया मेरा क्रॉच एरिया। अब मेरे टॉप पार्ट की लेंथ है 20 इंचेस की। ये है मेरी नी लेंथ तक की लेंथ, यानी कि घुटने तक की लेंथ है ये मेरी 20 इंचेस। अब यहाँ पे घुटने की ब्रॉडनेस मैं लूँगी 10 इंचेस की। तो इस तरह से मैं 10 पे मार्क करूँगी। ये हो गई मेरी लेंथ और यहाँ से यहाँ तक आपको जॉइन करके एक शेप देना है। तो इस तरह से मैं इसे शेप दूँगी। आपको हल्के हल्का राउंड ड्रॉ करना है यहाँ पे। तो ये हो गई मेरी मार्किंग कंप्लीट। अब मैं इसे कट कर लूँगी। तो ये हो गया मेरा टॉप पार्ट। अब मैं बॉटम पार्ट कट करूँगी। तो घुटने से एंकल तक की कटिंग हम इसमें से करेंगे। तो सबसे पहले मैं लेंथ में मार्क करूँगी, वो है मेरी 19 इंचेस। 1 इंच मैंने सीम अलाउंस के लिए ऐड किया है। तो ये हो गया मेरा 19 पे मार्क। अब ब्रॉडनेस तो मैं पूरी ले रही हूँ तो इसलिए मैं यहाँ पे इस तरह से आपको स्लांट में इसे ड्रॉ कर लेना है। ये हो गई मेरी लेंथ। चलिए इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए मैंने कटिंग कर ली है। यह है मेरा टॉप और बॉटम का पार्ट। तो इस तरह से ये मेरी बेसिक कटिंग हो गई है। अब मैं गैदरिंग के लिए नेट यूज़ करने वाली हूँ। तो ये देखिए मैंने 2 पीसेस लिए हुए हैं। तो इसकी लेंथ मैंने ली है अप्रॉक्स 20 इंचेस और ये मैंने ब्रॉडनेस मैंने ली है 1.5 मीटर। तो यहाँ इसमें हम गैदरिंग बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे बड़ी वाली सिलाई लगानी है कॉर्नर पे। आपको दोनों पीसेस पे बड़ी वाली यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम गैदरिंग करेंगे। तो आपको एक धागे को खींच के यहाँ पे गैदरिंग बनानी है। तो बस आपको हल्के हाथों से इस तरह से खींचते जाना है और आपकी गैदरिंग
बनती जाएगी। तो इस तरह से आपको दोनों पीसेस तैयार करने हैं। इस तरह से पूरी लेंथ में आपको गैदरिंग बनानी है। इस तरह से हल्के हाथों से आपको खींचते जाना है और आपकी गैदरिंग तैयार हो जाएगी। इसी तरह से आपको दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। ये देखिए मैंने दोनों पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब मैं इसे अटैच करूंगी बेस फैब्रिक के साथ। तो उसके लिए मैंने ये बेस फैब्रिक को राइट साइड पे रखा हुआ है। इस तरह से इसको राइट साइड पे रखना है और हमने जो गैदरिंग बनाई थी उसे भी इस तरह से राइट साइड पे दोनों हिस्सों को मिला के अच्छे से दोनों को मिला के यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपको सिलाई लगाना है। इसी तरह से दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं टॉप पार्ट को इसके साथ जॉइन करूँगी। तो ये मेरी राइट साइड है, इसके ऊपर मैं टॉप पार्ट को रॉन्ग साइड पे रखूँगी। तो इस तरह से आपको दोनों राइट साइड को मिला के यहाँ पे सिलाई लगानी। इस तरह से यहाँ पे भी दोनों राइट साइड को हम मिला के तरह से दोनों को अच्छे से मिला के यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए मैंने टॉप पार्ट और बॉटम को जॉइन कर लिया है इस तरह से। अभी मेरा राइट पार्ट है, इसके ऊपर मैं ये रॉन्ग रखूंगी। इस तरह से हम दोनों को अच्छे से एडजस्ट करके क्रॉच वाले एरिया पे सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है और यहाँ पे भी आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको इस तरह से रॉन्ग साइड पे ही इस तरह से टर्न करूँगी और जो हमारा आसन का एरिया है वो दोनों को अच्छे से मिला के इस तरह से दोनों को अच्छे से मिला के यहाँ तक सिलाई लगानी है और यहाँ तक आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ तक सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से मैं दोनों नेट पार्ट को इस तरह से आपको दोनों नेट पार्ट को अच्छे से मिलाना है और नीचे तक आपको सिलाई लगानी। इस तरह से दोनों बेस फैब्रिक को भी मिला के आपको पूरी लेंथ में सिलाई लगानी है। इसी तरह से दोनों पार्ट आपको प्रिपेयर करने हैं, नेट से नेट मिला के और बेस फैब्रिक को बेस फैब्रिक के साथ मिला के आपको इस तरह से सिलाई करनी है। ये देखिए मैंने सिलाई कर दी है। अब हम बेल्ट बनाएंगे ऊपर का। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक छोटा वाला फोल्ड करूँगी उस और एक इस तरह से बड़ा फोल्ड करके मैं पूरी लेंथ में सिलाई लगाऊंगी। आपको इतना एरिया छोड़ देना है ताकि हम इसमें से इलास्टिक पास कर सकें। तो इतना हिस्सा आपको छोड़ के पूरी ब्रॉडनेस में आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने बेल्ट प्रिपेयर कर लिया है और मैंने ये हिस्सा छोड़ दिया है। अब हम नीचे की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो इसके लिए मैं इस नेट को टू फोल्ड करके पूरी लेंथ में सिलाई लगाऊंगी और ये बेस फैब्रिक है इसको भी मैं रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड करके पूरी ब्रॉडनेस में सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से जहाँ पे मैंने बेल्ट बनाया था वहाँ पे हम इलास्टिक डालेंगे। तो इसको सेफ्टी पिन की मदद से यहाँ से जहाँ पे हमने होल रखा था वहाँ से हम इसे पास करेंगे। तो इस तरह से आपको इलास्टिक को एक एंड से दूसरे एंड तक इस तरह से पास करना है। तो ये देखिए मैंने पास कर लिया है। अब
अब दोनों हिस्सों को इस तरह से मिला के यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। आपको सिलाई 2 से 3 बार लगानी है ताकि ये खुल ना जाए। तो देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, अब मैं इसे अंदर डाल दूंगी और जो हिस्सा हमने छोड़ दिया था उसे हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए मैंने सिलाई लगा दी है। तो देखिए तैयार है हमारा गरारा। बहुत ही सिंपल था इसे बनाना। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक और इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लिक करें उस बेल आइकन पे ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।